हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माय स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3, रुद्र की लस भरी नजरें। वो ड्राइवर अपने बॉस की गुस्सेल आवाज सुन अंदर तक कांप गया था। वो ड्राइवर डरते हुए बोला, वो बॉस, हमारी कार एक छोटी बच्ची और एक लड़की से टकराने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से ब्रेक लगा दिया, सॉरी बॉस। वो शख्स बोला, देखो कुछ हुआ तो नहीं, अगर कुछ हुआ है तो पैसे देकर रफा-दफा करो। उस शख्स का ऑर्डर सुन ड्राइवर बोला, यस बॉस, अब आगे। ड्राइवर की बात सुन वो शख्स उसके हाथों में एक चेक रखता है। वो ड्राइवर उस चेक को पकड़ कार से बाहर निकलता है। ड्राइवर के बाहर जाते ही रुद्र फिर अपने लैपटॉप में लग गया था। बाहर आते ही उसने अपने सामने एक लड़की को देखा जो अपनी बाहों में एक छोटी सी बच्ची को कस के पकड़े हुए बैठी थी। वो ड्राइवर आगे बढ़कर चिंता भरी आवाज में बोला, मिस, क्या आप दोनों ठीक हो? उसकी ये बात सुन लड़की पीछे मुड़ती है। ड्राइवर जो उसे ही देख रहा था, उसकी खूबसूरती देख वो कहीं खोसा गया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जानवी ही थी। जानवी उस छोटी बच्ची के गालों में हाथ रख कर उससे पूछती है, बच्चा अब ठीक हो ना? छोटी बच्ची अपनी डरी हुई नजरों से जानवी को देखते हुए अपना सिर हिलाती है। तभी उस छोटी बच्ची की नजर भाग कर आ रही एक औरत पर पड़ी। वो उस औरत की तरफ भागते हुए बोली, मम्मा। जानवी खड़ी होकर उसी तरफ देखने लगी जहाँ पर छोटी बच्ची भागी थी। उसने देखा एक औरत उस छोटी बच्ची को गले से लगाए रो रही थी। वो औरत उसे दूर होकर उसकी आंख नाक गालों को चूमते बोली, मेरा बच्चा, आपको लगी तो नहीं ना बच्चा? इतना बोलकर वो औरत अपनी बच्ची का हाथ पैर चेक करने लगी। वो छोटी बच्ची अपनी माँ के आंसू साफ करते हुए बोली, मम्मा मम्मा मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर जानवी की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो दीदी ने मुझे बचा लिया मम्मा। फिर जानवी की तरफ बढ़कर उसे नीचे झुकने का इशारा करती है। जानवी कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है तो वो फिर से उसे नीचे झुकने का इशारा करती है तो जानवी थोड़ा नीचे झुकती है तो वो बच्ची उसके गालों को चूमते हुए बोली, थैंक यू दी। जानवी मुस्कुराते हुए उसके गालों में हाथ रखकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोली, जानवी। जानवी हैरानी से बोली, क्या तुम्हारा नाम जानवी है? छोटी वाली लड़की बोली, क्यों थी? इस पे जानवी बोली, मेरा नाम भी जानवी है, सेम। छोटी जानवी बोली, जानवी वन जानवी टू। तभी वहाँ छोटी जानवी की माँ इसके पास आकर बोली, थैंक यू सो मच जानवी मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। जानवी कुछ बोलती इससे पहले पीछे से आवाज आती है, देखिए मिस, हमें लेट हो रहा है तो प्लीज आप ये चेक लीजिए और इस हादसे को रफा-दफा कीजिए। ड्राइवर की बात सुन जानवी पीछे मुड़ती है और ड्राइवर के पास जाकर उसके हाथों से चेक लेकर उस चेक को देखती है जिसमें 50 लाख लिखा हुआ था। जानवी उस चेक को देखते हुए बोली, लगता है आपके बॉस के पास बहुत पैसा है। उसकी बात पर ड्राइवर घमंड से बोला, मेरे बॉस की अमीरियत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते मिस। तो जानवी बोली, इसका मतलब आपकी बॉस एक कार तो ठीक करवा ही सकते हैं। जानवी की बात सुन ड्राइवर कंफ्यूजन से पूछता है, मतलब? उसकी बात पर जानवी बोली, मतलब अभी समझ में आ जाएगा। इतना बोलकर वो उस बुगाटी ला वॉचर कार के पास जाती है और नीचे से एक पत्थर उठाकर उस कार के हेडलाइट पर मारती है जिससे कार की हेडलाइट चकनाचूर हो जाती है। ये सीन देख ड्राइवर गुस्से में जानवी के पास जाकर उसका एक हाथ पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई कार की हेडलाइट तोड़ने की? आप मेरे बॉस को जानती नहीं है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। जानवी उससे अपना हाथ छुड़ा कर उसके हाथों में वो चेक रखते हुए बोली, 25 लाख, 25 लाख इस हेडलाइट की। और बात रही आपकी बॉस की तो वो कोई खूंखार शे नहीं जो मैं उनसे तरूंगी। उसकी बात पर ड्राइवर घमंड से हंसते हुए बोला, वो कोई शेर नहीं है, वो बब्बर शेर है जिसकी एक नजर ही। वो आगे कुछ बोल पाता कि तभी पीछे से एक खतरनाक आवाज आई, मनोज क्या हो रहा है यहाँ? मनोज जो उस ड्राइवर का नाम था वो अपने बॉस की डरावनी आवाज सुन कांपते हुए बोला, बॉस। उस आवाज को सुन जानवी पीछे मुड़ती है तो वो अपने सामने एक हट्टी कट्टी शख्स को पाती है। काली गहरी आंखें, कद यही कोई 6 फीट, हाथों में एक्सपेंसिव घड़ी, गले में मोटी चेन, कंधे तक आते हुए बाल जिनको एक रबर बैंड की मदद से बांध रखा था, व्हाइट शर्ट जिसके 3 बटन खुले हुए थे और ब्लू पैंट पहने हुए वो उसे ही देख रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे। दरअसल जब रुद्र कार में था तो उसे किसी कांच के टूटने की आवाज आई थी।
उसने अपना से उठाकर सामने देखा तो अपने ड्राइवर को किसी लड़के के साथ झगड़ता देख रुद्र कार से बाहर आया। उसके बाहर आते ही उसके बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी कार से बाहर आ गए। जानवी रुद्र को देखते बोली, ओह तो ये है आपके बब्बर शेर। रुद्र की नजर जब जानवी पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कने थम सी गई। उसकी वो काली गहरी आंखें जिसमें कई इमोशंस दिख रहे थे, उसकी हवाओं से लहराते बाल जो कभी उसके गाल तो कभी उसके नाक तो कभी उसके होठों को चूम रही थी, उसकी वो गुलाबी होठ जो रुद्र को अपनी ओर खींच रही थी। जब रुद्र की नजर उसके होठों के ठीक नीचे उस छोटे से दिल पर गई तो उसका दिल किया कि उस दिल को चूम ले। उसकी नजर फिर उसके गले से होते हुए नीचे तक गई। रुद्र उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा था जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हूं। जब जानवी की नजर उसकी लस भरी आंखों से गई तो जानवी उसके पास जाकर उसके कॉलर को पकड़ अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में अखी डालकर बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस नजर से देखने की। जानवी के कॉलर पकड़ते ही रुद्र के बॉडीगार्ड्स ने जानवी के ऊपर अपनी गन तान दी। ये सीन देखते ही छोटी जानवी घबराते हुए बोली, दी, और उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड ने उसके ऊपर भी गन तान दी। ये देखते ही उसकी मम्मा ने छत से उसे पकड़ लिया। जानवी छटपटाते हुए बोली, मम्मा दी, मम्मा, मम्मा। उसकी मम्मा बोली, प्लीज बच्चा शांत हो जाओ, देखो उनके हाथ में गन है, वो तुम्हें मार सकते हैं बच्चा, प्लीज बच्चा। उनकी बात पर छोटी जानवी बोली, फिर मम्मा दी, वो लोग दी को भी मार सकते हैं मम्मा। जाने की बात पर उसकी मम्मा कुछ कह नहीं पाए, वो बस अपनी डरी हुई नजरों से ये सब कुछ देख रही थी। वो तो एक माँ थी ना, फिर वो कैसे अपनी बच्ची को खतरे में डाल सकती थी। छोटी जानवी बोली, मम्मा कुछ करो मम्मा। उसकी मम्मा बोली, बच्चा हम एक काम कर सकते हैं, हम पुलिस को कॉल करते हैं। इतना बोलकर उन्होंने अपना फोन निकाला और उसमें पुलिस का नंबर डायल करने लगी। लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड ने उसके सिर पर अपनी गन तान दी, ज्यादा होशियारी नहीं वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी, समझ गई। उस बॉडीगार्ड की धमकी सुन छोटी जानवी और उसकी माँ अंदर तक कांप गए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोलने की। अपने ऊपर गन पॉइंट देख एक पल के लिए जानवी डर गई थी, लेकिन उसने अपने डर बाहर नहीं दिखाया, वो अभी भी रुद्र का कॉलर पकड़े हुए थी। मनोज ये देख अपने मन में सोचने लगा, आज तो ये सब गए और ये लड़की, इसका तो आज राम नाम सत्य पक्का। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई बॉस के सामने ऊंची आवाज में बात करने की और इस लड़की ने तो बॉस का कॉलर ही पकड़ लिया। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसने अपने बब्बर शेर यानी रुद्र को उनके गन नीचे करने का इशारा करते हुए देखा। अपने बॉस का इशारा मिलते ही उन सब बॉडीगार्ड्स ने अपने अपने गन नीचे कर लिए। उनके गन नीचे करते ही जानवी की सांस में सांस आई। लेकिन तभी अचानक रुद्र उसकी कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचता है जिससे जानवी का चेस्ट उसके ब्रॉड चेस्ट से लग जाता है। जानवी उसके कंधे तक आती थी इसलिए रुद्र झुक कर उसके कान में बोला, स्वीट हार्ट, ऐसी गलती अगर कोई और करता ना तो उसका हाथ जमीन पर होता। उसकी ये बात सुन जानवी अंदर तक कांप गई थी। उसको कांपता देख रुद्र फिर से बोला, डरो मत स्वीट हार्ट, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा मैं, बिकॉज यू आर वेरी स्पेशल टू मी। इतना बोल वो उसके कान पर बाइट करता है जिससे जानवी के मुंह से एक आह निकल जाती है। That's it for today, guys. मिलते हैं अगले एपिसोड में। Bye bye.